अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली क्या हाल है उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोग की दुआओं से तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो मैंने धोए थे कपड़े इतनी अच्छी धूप निकली हुई है आप ना गर्मी गर्मी सी होनी महसूस हो गई है जब बारिश होती है ना तो इतना अच्छा मौसम हो जाता है तो एकदम से गर्मी हो जाती है लेकिन जैसे ही मैंने कपड़े धोए थे ना उसके फ़ौरन बाद ही ना मौसम बहुत अच्छा हो गया था बहुत अच्छा हो गया था तो कपड़े धोने ना बड़े मुझे मुश्किल लगते हैं अभी ना लेकिन फिर भी घर के काम है करने तो पड़ते हैं ना तो जो कपड़े सूख गए थे ना वो मैं उतार के नीचे ले आई थी तो मैंने ना आज खाने में बनाया था आप चलती हूँ मैं अपने किचन में और खाने में मैंने बनाया था आलू वाले कटलेस बनाए थे आलू और चिकन वाले ना वो कटलेस मैंने बनाए थे तो तीन आलू ले लिए थे मैंने बॉयल करने के लिए थोड़ा सा बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था वो मैंने कहा चलो ना मैं और बच्चियाँ ही थी घर में तो मैंने कहा चलो हम लोगों के लिए बहुत हो जाएगा ना तो आलू जो थे मेरे बॉयल हो चुके थे चिकन भी मेरा बॉयल हो चुका था तो मैंने ना ये मिक्सर रेडी कर लिया था इसके बीच में ना मैंने एक प्याज काट के ना तो वो भी बीच में ऐड कर दिया था समझ नहीं आती पकाने की जब कपड़े धो लो ना तो इतनी थकावट हो जाती है ना कि दिल ही नहीं करता कि कोई और काम करे ना तो वैसे भी मेरी तो वैसे ही तबीयत ख़राब है तो इस वजह से मेरा तो वैसे ही दिल नहीं करता ना कोई काम करने को तो बस टूटे फूटे जो टाइम मिलता है उसमें मैं काम कर लेती हूँ आप लोग सुनाए आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल कल गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं गर्मियों अब महसूस होने शुरू हो गई हैं तो आज तो वैसे भी जो है ना बच्चे स्कूल नहीं गए थे ये एक दो दिन का ना जॉइन मैं आपके साथ ना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी मैंने वीडियो आपके साथ बना बना के शेयर करती रहती हूँ लॉन्ग टाइम के लिए वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता ना तो वो इमरान खान की वजह से आज जो थे सब स्कूल भी बंद थे कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद थे तो मैंने कहा चलो आज ना मैं अपनी वीडियो जो है ना अपलोड कर देती हूँ तो मैंने ना ये शाम की चाय के साथ चाय भी साथ बना रही थी इतनी थकावट गई थी मुझे तो मैंने साथ अपने लिए चाय बनाई थी और ना ये मैंने ना कटलेट्स जो थे वो भी रेडी मेरे हो गए थे तो वो भी मैंने फ्राई कर लिए थे तो मैंने कहा चाय पी लो ना तो पता नहीं चाय लवर्स जो हैं उनको पता होगा कि चाय पी लो तो ऐसे लगता है जैसे ना थकावट सारी उतर गई है तो मैंने बिना चाय से लिए बना ली थी मैंने कहा शायद ना थकावट उतर जाए मेरी भी तो अब भी जो है ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्टार्ट हो गया तो बच्चों को ना मैंने ना वाटर काट के दिया था तो मैंने कहा वही सुबह नाश्ते में आप लोग कर लो क्योंकि सुबह नाश्ते से पहले ये खाओ ना तो बड़ी ठंडक महसूस करते हैं तो मेरे बच्चे ना बड़े शौक से खाते हैं तो मुझे ना इतना सुबह के टाइम फ्रूट पसंद नहीं है तो मैंने ना रात को जो दाल बनाई थी ना तो वो मैंने ना दाल और साथ ना दो पराठे बना लिए थे तो आज मैंने बनाई थी क्रीम चाट ना मैंने आपके साथ उसकी रेसिपी इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि काफ़ी दफ़ा ना मैं अपने रमज़ान व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ तो दिन को साथ ना कलेजी जो थी ना तवे वाली वो बनाई थी तो ये मेरे हस्बैंड ना बड़े मज़े किए तवे वाली कलेजी बनाते हैं आज आपको सारा ब्लॉग मेरा ना खाने पीने से रिलेटेड ही मिलेगा क्योंकि बाहर मैं अभी इतना जाती नहीं हूँ इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी तो मैं आपके साथ ना बाहर का भी ब्लॉग शेयर करूँगी तो ये ना बड़े मज़े की ये बनती है कलेजी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इसके साथ ना मैंने दही का रायता बना लिया था अब गर्मी हो गई ना अब दिल नहीं करता रोज़ रोज रोजोरे वाला सालन खाने को सालन खाने को इस तरह ना तो कोशिश यही होती है कि ना ऐसे ही कुछ बना ले ठंडा ठंडा सा तो मैंने आज क्रीम चाट बना ली थी और साथ ना तवे वाली कलेजी बना ली थी तो बच्चों को इतना कलेजी पसंद नहीं है तो मुझे और मेरे हस्बैंड को पसंद है तो हम दोनों ने ये खा ली थी और बच्चों ने जो थी वो चाट खा ली थी तो साथ मैंने दही का रायता बना लिया आप लोग सुनाना आप लोग आजकल क्या बना बनू रहे हैं तो शुक्रिया आप लोगों का आप लोगों ने मेरी पंजाबी ज़ुबान में जो वीडियो थी लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो आप लोगों ने बहुत पसंद की बहुत ज़्यादा पसंद की इन श्ला दोबारा से मैं अपनी पंजाबी जुबान में जो है ना वो बनाऊँगी वीडियो अपनी बनाऊँगी तो अगर आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छे से व्लॉग में तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए ओके जी अल्लाह हाफिज और जाते जाते दोबारा कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना बाय बाय अल्लाह हाफिज़